ऑलराइट गाइस, गाइस आई होप मेरी आवाज़ क्लियर आ रही हो। यस, बिल्कुल क्लियर है। ओके, तो गाइस आज हमने ये करना है कि हमने डिक्शनरीज के ऊपर काम करना है। तो डिक्शनरीज क्या हैं, मैं आपको बताता चलूँ। डिक्शनरीज इन डेटा साइंस। सो डेटा साइंस के अंदर डिक्शनरीज आपके सामने एक एग्जांपल है, हम इसको रन करते हैं। यहाँ पे हमने इसको रन किया कोड को, और इस कोड को रन करने के लिए सबसे पहले तो आपको विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल करना है, और जब आप इंस्टॉल करेंगे अपने एक्सटेंशंस में जाके पाइथन का एक्सटेंशन ज़रूर आप डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद ये फर्दर जो पाइथन का आप कर लें काफ़ी है, उसके बाद वो ख़ुद भी रिकमेंड कर रहा होगा कि आप ये एक्सटेंशन डाउनलोड कर लें। फिर आपको पाइथन 3 का इसकी वार्निंग देगा, आप ये इंस्टॉल कर लीजिएगा कि कंपाइलर चाहिए इसको इंस्टॉल करने के लिए, तो वो आप कर लें। तो आपका गुड टू गो हो जाएगा कोड रन करने के लिए, आपका VS कोड रेडी होगा। तो अभी आपने ये करना है कि ये एक एग्जांपल दी हुई है, ब्री वर्ल्ड, और इसका एक एड्रेस दिया हुआ है। फिर ब्रो वर्ल्ड है, इसका एक एड्रेस दिया हुआ है। उसके बाद जो है कॉलियर है, इसका एक मनरो का एड्रेस दिया हुआ है, मायामी डेट का, और पाम बीच का एड्रेस दिया हुआ है, हिल्सबरो का एड्रेस दिया हुआ है। ठीक है, उसके अगेंस्ट एक ये 1320134 एक कोड लिखा हुआ है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर मायामी डेट जो है यहाँ पर लिखा हुआ है, कंट्री सेंसस पॉप 2010, और मायामी डेट का हमने लिखा, तो यहाँ पे इसने क्या स्पिट आउट किया, यहाँ पर इसने हमें जो आउटपुट दिया वो ये दिया है जो इसका कोड है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल हमने ब्रॉवर्ड का मालूम करना है, तो हमने ब्रॉवर्ड का कीवर्ड लिखा है ऐसे इसके अंदर सिंगल कोड्स के अंदर, तो उसने ये एड्रेस आउटपुट दिया। उसके बाद हमने पोक का किया, तो उसने बोला यार यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है, तो की एरर आ रहा है। ठीक है, उसके बाद जो हमने फॉर एग्जांपल, हाँ जी, फिर हमने डिफाइन कर दिया कि ये चीज़ ये है, ये चीज़ ये हमने ऐड कर दिया। उसके बाद फिर दोबारा हमने किया, पोक को कॉल करवाया, तो उसने एड्रेस ये फेंक दिया। ठीक है, उसके बाद हमने पूरा ये सिर्फ हमने ये नाम लिखा है वेरिएबल का, तो इसने पूरा यहाँ पर ये स्प्रेड आउट कर दिया। ठीक है जी, उसके बाद हमने एम्प्टी डिक्शनरी किया, तो उसने एम्प्टी डिक्शनरी कर दिया। उसके बाद हमने लेंथ का फंक्शन किया, तो उसने लेंथ बता दी, भाई इसमें 10 की लेंथ है, 10 डिक्शनरीज बनी हैं। उसके बाद जो है हमने पोक लिखा इन, ये क्या ये कंडीशन ट्रू है, उसने बोला हाँ भाई ये चीज़ आपको मिल जाएगी इसके अंदर। ठीक है जी, उसके बाद आपने मॉर्स ये चलाई, तो उसने क्या किया, जो भी लेंथ करके फिर मोर्स के अंदर इसकी लेंथ दी, तो ये लेंथ आ गई इसकी 38, ये 38 टोटल कोड्स हैं। उसके बाद जो है इसने बोला कि इसकी की प्रिंट कर दो, तो जितनी कीज़ हैं उसने सारी कीज़ प्रिंट आउट करी। ठीक है जी, डॉट कीज़ के फंक्शन से। उसके बाद जो है इसने वैल्यूज़ प्रिंट करने को बोला, तो डॉट वैल्यूज़ के फंक्शन से वैल्यूज़ प्रिंट हो गई, डॉट कीज़ से कीज़ प्रिंट हो गई, डॉट वैल्यूज़ से वैल्यूज़ प्रिंट हो गई। सही है जी, उसके बाद ये खेल रहा है, सिर्फ कुछ नहीं कर रहा इसने, की कंकेटनेशन करके दिखा रहा है, डॉट स्लैश टी कर दिया तो उसने टैब दे दिया, यहाँ पे str करके फिर इसने ये करवाया तो ये की कॉल हो गई। उसके बाद पे सिर्फ डिफरेंटली कर रहा है इसी काम को, डॉट आइटम्स ये इसने किया प्रिंट करके टैब लगा के str की वैल्यू के अंदर ये दे दिया, तो उसने पूरा इसका ये आ गया। फॉर की वैल्यू इन कंट्री डॉट आइटम्स करके उसने किया, फिर प्रिंट की प्लस टैब आया, उसके बाद str वैल्यू आ गई। ठीक है जी, की के बाद टैब आया, उसके बाद वैल्यू आ गई उसकी। ठीक है, उसके बाद कुछ नहीं कर रहा यहाँ पे, इसको भी रन कर देता, फर्क तो नहीं, हाँ जी कोई फर्क नहीं है। उसके बाद टेक्स्ट टेक्स टू लिस्ट एंड जिप्स देम इन टू अ डिक्शनरी,
यूजेस वन एज की एंड अदर एज वैल्यूज़, ये आपने सेपरेट सेपरेट ये किया कंट्रीज़ और पॉप करके किया, और यहाँ पे ये पास करवा दिया, तो उसने इसको भी एक डिक्शनरी मान लिया, ठीक है। और ये इस तरीके से करेंगे, जिप करके दोनों को कॉमा करके कर देंगे, तो पहले वाला और दूसरा वाला होगा वो इस तरह से आ जाएगा। फिर उसने प्रिंट किया व्हाट इज़ द पॉपुलेशन ऑफ ज़ीरो करके कॉल कराया, वन करके कॉल कराया, और फॉर्मेट में इसने सी डॉट पी वेरिएबल पास करवा के ये करवा दिए प्रिंट, ठीक है। पहले की प्रिंट हुई है, फिर उसके बाद वैल्यू प्रिंट हुई है, और उसके बाद एरिया का उसने ये डिफाइन किया एक एरे, फिर उसने सी पी ए इन जिप करके करवाया, तो उसने पॉपुलेशन ऑफ ज़ीरो इंडेक्स पे उसने कर दिया, वन पे उसने ये कर दिया, और टू पे उसने जो है वो माइल्स प्रिंट करवा दिया, फॉर्मेट उसने ये रखा है, ठीक है जी, सी पी ए करके। नथिंग एल्स नथिंग मोर, बहुत सिंपल सा इसमें डिक्शनरीज का कॉन्सेप्ट है, पाइथन के अंदर आया, वो आपको ये वीडियो पसंद आएगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।